Hello students, I am Usma teacher from Paras English School. Today I am going to teach you subject Maths, Magics, Mathematics. New learn well. आज अपने न्यू बुक मैथ्स की स्टार्ट करेंगे बच्चों. देखो वन नंबर पे है प्री नंबर कॉन्सेप्ट. चैप्टर का नाम है वन नंबर प्रे नंबर कॉन्सेप्ट दिया है. गेट सेट गो. लुक अप लुक डाउन. लुक ऑल अराउंड एंड आंसर दिस क्वेश्चन. लुक अप लुक डाउन. लुक ऑल अराउंड एंड आंसर दिस क्वेश्चन दिया है. व्हाट डू यू सी आउटसाइड द क्लास. क्लास के आउटसाइड क्या है. वॉल कबोर्ड दिया हुआ. ये रहा दीवार कबोर्ड. देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या दिया है. दीवार कबोर्ड जिसमें टीचर जो अपना सामान रखती है या बच्चों की कुछ भी बुक्स वगैरह. टू नंबर पे व्हाट डू यू सी इनसाइड द क्लास. क्लास के इनसाइड पे क्या है. ब्लैक बोर्ड. क्या है. ब्लैक बोर्ड. ये दिख रहा है आपको ब्लैक बोर्ड. हु इज सिटिंग बिहाइंड यू. सिटिंग बिहाइंड यू तो कौन बैठा है. अनस. आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं भी है. व्हेन यू लुक अप व्हाट डू यू सी अबाउ योर हेड. हेड के ऊपर क्या है. फैन. तो क्या है. फैन. व्हाट इज अंडर यू टेबल. टेबल के अंदर क्या रखते हैं अपने. बैग. क्या रखते हैं. बैग. हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट यू. इन फ्रंट ऑफ यू तो मुजाहिद. कौन बैठा है. तो मुजाहिद. अब यहां दिया है टॉप बॉटम. टॉप बॉटम. द गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. द गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. द बॉय इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग. लड़की कहां खड़ी है. टॉप के ऊपर और बॉय बॉटम में. ठीक है बच्चों. दिया है ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड पुट अ टिक मार्क फॉर करेक्ट रिलेशनशिप. तो देखो ये कहां पर बैठी. स्पैरो टॉप में. तो अपने को टॉप पे क्या करना है. राइट का निशान. और स्नेक का है बॉटम में. तो अपने को बॉटम में क्या करना है. राइट का निशान करना है. फिर दिया है ऑन अंडर. ऑन अंडर क्या दिया है. ऑन और अंडर. द बॉय इज सीटिंग ऑन द चेयर. बॉय क्या है. सीट के ऊपर बैठा है. द डॉग इज सीटिंग अंडर द चेयर. क्या बैठा है. डॉग सीटिंग चेयर के नीचे बैठा है. अब यहाँ पर दिया है ऑब्जर्व द गिविंग पिक्चर एंड पुट टिक मार्क फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप. जो करेक्ट रिलेशनशिप है उसके ऊपर टिक करना है. तो ये फ्लावर पॉट का रखा है. ऑन यानी ऊपर. और ये अंडर सूज का रखे अंडर. तो नीचे की तरफ क्या करना है. अपने को राइट का निशान करना है. समझ पड़ी. यह दिया है ड्रॉ अ बिल्डिंग. ड्रॉ टू थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ड्रॉ टू थिंग्स एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग. फिर फ्रंट और बिहाइंड क्या दिया है. फ्रंट और बिहाइंड. फ्रंट और बिहाइंड. द डॉग इज फ्रंट ऑफ द हाउस. द ट्री इज बिहाइंड हाउस. तो बिहाइंड ऊपर है और फ्रंट नीचे है. फिर देखो दिया है ऑब्जर्व द गिव पिक्चर्स एंड पुट टिक मार्क फॉर करेक्ट रिलेशनशिप. बिहाइंड तो ऊपर की तरफ है. बिहाइंड झाड़ के. और ये आदमी का है फ्रंट में यानी नीचे की तरफ. का है फ्रंट यानी नीचे की तरफ में है. फिर दिया है इनसाइड आउटसाइड. क्या है. इनसाइड आउटसाइड. द गर्ल इज स्टेटिंग इनसाइड द हाउस. द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस. तो ये कहा है इनसाइड यानी अंदर की तरफ. ये आउटसाइड यानी बाहर की तरफ से. तो देखो यहाँ दिया है ऑब्जर्व द गिव पिक्चर एंड पुट अ टिक मार्क फॉर करेक्ट रिलेशनशिप. तो ये क्या है. इनसाइड अंदर की तरफ. और ये दाने फली के कहा है. बाहर आ गए. तो आउटसाइड में टिक का निशान करना होगा.
फिर यह है बिफोर और आफ्टर, बिफोर आफ्टर, द लायन इज रनिंग बिफोर द जिराफ, द एलिफेंट रन एलिफेंट इज रनिंग आफ्टर जिराफ। बिफोर देखो ये पहले जा रहा है और ये बाद में। देखो ऑब्जर्व द गिव पिक्चर एंड चूज द करेक्ट वन, बिफोर आफ्टर, फादर इज साइकिलिंग बिफोर मदर, साइकिलिंग पहले फादर कर रहे, डॉटर इज साइकिलिंग आफ्टर मदर, फिर कौन कर रहे हैं, डॉटर के बाद में वो है मदर। और अब यहाँ दिया है नियर और फेयर, क्या है नियर और फेयर, नियर यानी पास, फेयर यानी दूर, द बॉय इज नियर द मैन, फिर पास में है नियर बॉय के, द बस इज फेयर फ्रॉम द मैन यानी बस वो दूर है, जो मैन है उसके वो दूर है। फिर दे ऑब्जर्व द पिक्चर गिव ब्लू बिलीव ब्लू चॉइस द करेक्ट वन, नियर और फेयर पास और दूर, तो द काव इज नियर द हाउस, तो पास है, द ट्री इज फेयर फ्रॉम हाउस, ट्री से बहुत दूर है हाउस, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दिया है अबो ब्लॉक, ब्लॉक वन अबो ब्लॉक बी, ब्लॉक सी इज ब्लॉक ब्लॉक बी, ठीक है इस तरह से दिया हुआ है। ऑब्जर्व द पिक्चर गिव फ्लो एंड पुट टिक मार्क फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप, ये अबव में यानी ये ऊपर की तरफ है, ये ब्लॉक यानी ये नीचे की तरफ है, रोलिंग और सेल्डिंग, देखो द बॉल इज रोलिंग ऑन द हैंड कार्ट, हाथ जो चलाने वाली गाड़ी आती है उसको बोलते हैं, द ब्रिक इज सेल्डिंग ऑन द हार्ड कार्ट, सेल्डिंग यानी ये बीच की तरफ होता है उसको बोलते हैं। देखो ऑब्जर्व द पिक्चर गिव ब्लॉ इन पुट टिक मार्क करेक्ट रिलेशनशिप, रोलिंग या रोलिंग है तो रोल वाला है, और जिसकी फोर साइड होती है ना सेल्डिंग, सेल्डिंग की फोर साइड है इसकी, कैसे ये रोलिंग है, रोल है गोल है और इसकी फोर साइड है किताब की, देखो दिख रहा है, तो इसको सेल्डिंग इसको रोलिंग बोलेंगे। मच पढ़ी आप लोग को, और याद दिया है एक्टिविटीज भी दी है आप लोग को, वन नंबर पे कलर द किटन ब्राउन विच आर ऑन द टेबल एंड ब्लैक विच आर अंडर द टेबल, देखो दो केट इसके नीचे दिखा रहा है, और बाकी ड्रॉ आ फ्लावर वास ऑन द टेबल एंड डस्टबिन अंडर द टेबल, वो अपनों को बोल रहा है तुम फ्लावर पार्ट रख सकते, वो अपनों को बोल रहा है तुम फ्लावर पार्ट डस्टबिन कुछ भी रख सकते हो, वो अपनों को ही समझा रहा है। फिर द पोजिशंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट अराउंड एस यूजिंग एवरी डे लर्निंग स्पेशल रिलेशन लाइक, जैसे ये टॉप में है, ये देखो आपका बॉटम में, ये टॉप में बता रहा है, ये बॉटम में, ये फ्रंट और ये बिहाइंड के, ये अंडर और ये ऑन, ये नीचे है ये ऊपर है, ये अंडर नीचे की तरफ है, ये ऑन यानी ऊपर, ये रोलिंग चीज बता रहा है और ये सेल्डिंग बता रहा है, ये अबव ऊपर की तरफ, ये ब्लो बता रहा है, ये इनसाइड बता रहा है, ये आउटसाइड, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की, नियर तो ये पास है, फेयर फेयर यानी ये दूर है। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया अभी तक, कि एक बार और आपको समझाना पड़ेगा कि किस तरह से, एक बार आपको मैं वापस से समझा देती हूँ, वन नंबर पेयर नंबर कॉन्सेप्ट, गो गेट टू गेट सेट गो लुक अप लुक डाउन लुक ऑल अराउंड एंड आंसर दिस क्वेश्चंस, वन नंबर व्हाट डू यू सी आउटसाइड द क्लास द वॉक अबाउट, फिर दिया है टू नंबर में व्हाट डू यू सी इनसाइड द क्लास ब्लैक बोर्ड, कहाँ पर है इनसाइड में क्या है ब्लैक बोर्ड है, आउटसाइड में क्या है वॉक अबाउट लगा कबा हुआ है जिसमें टीचर अब बच्चों की क्या बुक्स वगैरह सब रख सकते हैं, वो इज सीटिंग बिहाइंड यू ऑन, तो बिहाइंड यानी साइड की सीट पे कौन बैठा है, तो ऑन अस, व्हेन यू लुक अप व्हाट डू यू सी अबव योर हेड, तो कौन है फैन ऊपर है,
What is under your table? देखो फिर क्या दिया है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड पुट टिक मार्क फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप। तो ये क्या है, स्पैरो टॉप में है और ये क्या है, स्नेक्स नीचे बॉटम की तरफ है, तो यहाँ पे बॉटम की तरफ राइट का निशान करना है। ऑन अंडर तो द बॉय इज सीटिंग ऑन द चेयर, तो बॉय क्या है सीट के ऊपर है। द डॉग इज स्टैंडिंग अंडर द चेयर, तो ये क्या है नीचे की तरफ अंडर है। फिर दे ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड पुट टिक मार्क फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप, तो ये क्या है फ्लावर पॉट ऊपर की तरफ और ये अंदर की तरफ क्या है शूज है, क्या है शूज। यहाँ दिया है फ्रंट और बिहाइंड, फ्रंट और बिहाइंड, तो इस हाउस की जो पास में है वो क्या है डॉग है, तो फ्रंट है और बिहाइंड दूर की तरफ क्या है ट्री है, क्या है ट्री, आपको दिख रहा है ट्री। तो द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। ठीक है बच्चों, फिर दे ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड पुट अ टिक मार्क फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप, तो ये क्या है देखो, ये फ्रंट में है ये बिहाइंड में, तो बिहाइंड के तरफ क्या करेंगे राइट और फ्रंट की तरफ राइट का निशान करेंगे। यहाँ पर दिया है इनसाइड आउटसाइड, ये अंदर की तरफ है गर्ल और बॉयज आउटसाइड यानी बाहर की तरफ है, तो दिया द गर्ल इज स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस, बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। तो ये देखो ये ऐसा ही है, यहाँ पर भी ये इनसाइड के अंदर है फली के दाने अंदर और ये बाहर की तरफ आ जाएंगे तो आउटसाइड हो जाएगा। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड पुट अ टिक राइट का मार्क फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप, तो ये इन साइड यानी अंदर की तरफ है, ये बाहर साइड तो आउट साइड हो गया। ठीक है बच्चों, बिफोर और आफ्टर, द लायन इज रनिंग बिफोर द जिराफ, द एलिफेंट इज रनिंग आफ्टर जिराफ। यहाँ पर दिया है ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड चूज द करेक्ट वन, आपको देखना है तो फादर पहले, फादर इज साइकिलिंग बिफोर मन, डॉटर इज साइकिलिंग आफ्टर मन। फिर यहां पर दिया है नियर और फेयर, तो द बॉय इज नियर द मैन, द बस इज फेयर द मैन। वो बता रहा है कि मैन बस से दूर है और बॉयज क्या है बस के पास ही है एकदम, वो बताना चाह रहा है अपने को। ऑब्जर्व द पिक्चर गिव ब्लॉक चूज द करेक्ट वन, नियर और फेयर का मतलब देखो, द काउ इज नियर द हाउस, हाउस के पास है कार, द ट्री इज फेयर फ्रॉम द हाउस, तो दूर है। अब के बारे में है और बिलोव के बारे में है। ऑब्जर्व द पिक्चर गिव ब्लॉव इन एंड पुट अ टिक मार्क फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप, तो ये ऊपर की तरफ है तो अबव में आएगा और ये क्या है, ये जो बर्ड्स है वो नीचे ब्लॉव में है तो उसके ऊपर राइट का निशान आएगा। यहाँ पर हम यहाँ देखो गोल चीजें जो रोलिंग वाली और ये क्या है सेल्डिंग, इसकी फोर साइड है, तो द बॉल इज रोलिंग ऑन द हैंड कार्ड, द ब्रिक इज सेल्डिंग ऑन द हैंड कार्ड। ऑब्जर्व पिक्चर गिव ब्लॉ एंड पुट टिक मार्क फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप, रोलिंग यानी ये गोल है, क्या है ये गोल सेफ में और ये इसकी फोर साइड है, क्या है इसकी फोर साइड है, क्या है फोर साइड। अब देखो लास्ट वाला यहाँ पे समझा के कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे बता रहा है द पोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड अराउंड यूज एवरी डे लंच, एवरी डे लैंग्वेज है ये और स्पेशल रिलेशन लाइक, तो अपने सब अलग अलग बोलते, ये टॉप में है, क्या है ये टॉप और ये बॉटम में, टॉप यानी ऊपर बॉटम यानी नीचे, फ्रंट यानी बाहर और फ्रंट यानी पास और बिहाइंड से दूर होता है, ऑन यानी अंडर यानी नीचे, ऑन यानी ऊपर की तरफ, देखो आपको तीर मार के बता रहा है, नियर यानी पास, फेयर यानी दूर,
इन साइड यानी अंदर की तरफ, आउट साइड यानी बाहर, अबव यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे, रोलिंग यानी गोल चीज होती है, और स्लाइडिंग यानी फोर ऐसे जिसकी फोर साइड होती है, 1 2 3 4। इस तरह से बच्चों देखो यहाँ पे क्या दिया है, ड्रॉ थ्री थ्री ऑफ यू फेवरेट वेजिटेबल्स इन साइड द बास्केट एंड थ्री ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स आउटसाइड बास्केट। तीन फ्रूट्स को अंदर डालना है आपको, इस तरह से एप्पल बनाना जो भी बनाएंगे, ठीक है। आज ये फर्स्ट लेसन अपना कंप्लीट होता है, आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।